मैं शशि भूषण, अतिथि सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। विद्यार्थियों, पूर्व के वर्ग में आप लोगों ने नागमती व्योखंड का प्रथम भाग एवं जायसी की जीवनी का अध्ययन किया, व्याख्यान सुना। इस वर्ग में आप नागमती व्योखंड भाग दो और भाग तीन पर व्याख्या सुनेंगे। नागमती व्योखंड भाग दो पर व्याख्या इस प्रकार। पियो वियोग अस बाउर जीव, पपिहा तस बोले प्यू प्यू। पियो वियोग अस बाउर जीव, नागमती रत्नसेन की पत्नी है, अपने पति रत्नसेन से वियोग में अत्यधिक व्याकुल होकर बेशुद्ध हो जाती है और उसके मुंह से पपिहा की भांति प्यू प्यू की आवाज निकलती रहती है। पपिहा तस बोले प्यू प्यू, अधिक काम दगधे सो रामा, हरि जीव लय सो गयो प्यो नामा। अधिक काम दगधे सो रामा, रमणी नागमती को काम भावना अधिक पीड़ा देने लगा है। अब उसे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हीरा मन जो तोता है उसके पति के रूप में उसके प्राण ही हरण कर ले गया है। हरि जीव लय सो गए प्यू नामा, विरह बान तस लागन डोली, रकत पसीज भीज तन चोली। उसके वियोगवान ऐसे लगा है कि वह हील तक नहीं पा रही है। उसकी विरह व्यथा इतनी तीव्र है कि वह बेशुद्ध हो गई है एवं उसका रक्त पसीजने के कारण उसकी चोली गीली रहती है। सखी हिये हेरी हार नमानी, हरिये प्राण तजे सब नाड़ी। उसकी सखियां, सखी हिये हेरी हार नमानी, उसकी सखियां उसे देखकर सोचने लगी है कि विरह एवं काम की आग में उसका हृदय सूख गया है और इससे हार का सामना करना पड़ा है। खिन एक आओ पेट महस्वासा, खिनई जाई सब होई निराशा। नागमती की सखियां अशंकित है कि यह असहनीय पीड़ा से कहीं प्राण न छोड़ दे। ऐसा लग रहा है कि एक क्षण के लिए श्वास आ रहा है फिर चला जा रहा है, अर्थात उसके शरीर में एक क्षण हेतु स्पंदन होता है और पुनः शांत हो जाता है। पनहु डोलाब सिंची चोला, पहरक समझी नारी मुह बोला। ऐसा देखकर समस्त सखियां निराश हो जाती है और नागमती के बेहोश हो जाने पर उसकी सखियां उस पर हवा करती है, पंखा डुलाती है तथा चोले पर जल छिड़कती है। तब वह कुछ शब्द बोलती है। प्राण पयान होत के राखा, को मिलावत चरित्र के भाखा। चोले पर जब जल छिड़कती है तब वह कुछ शब्द बोलती है, लेकिन वह कुछ शब्द बोलती तो है लेकिन उसके समझने में पहरों लग जाते हैं, एक पहर लग जाते हैं। नागमती कहती है, आह जो मारी विरह की आग उठी ते ही हाक, हंस जो रहा शरीर मह पांख जरे तन थाक। मेरे उड़ते प्राण को किसने रोक रखा है? वह पुनः प्रश्न करती है कि ऐसा कौन है
जो मेरे पति का समाचार सुनाएगा। जायसी कहती है कि जब विरहनी नागमती आह भरती है तो उस आह के साथ आग निकलती है। नागमती के शरीर में जीव रूपी हंस का पंख जल उठे, जिससे उसके आत्मा रूपी हंस उड़ गया है। विद्यार्थियों, इसमें देखते हैं कि राजा रत्नसेन जब पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रानी नागमती को छोड़कर चला जाता है तो नागमती पति के वियोग में तड़पने लगती है। अपने पति के अभाव में नागमती का जीवन निष्प्राण सा हो जाता है, क्योंकि रानी के लिए उसका पति ही जीवन का आधार या अवलंब है। नागमती रानी है किंतु विरह में एक साधारण स्त्री की तरह आचरण करने लगती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। नागमती का वियोग वर्णन ऐसे समय का चित्रण है जिसे मध्यकाल कहा जाता है, और इस समय स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। नागमती के वियोग वर्णन में अतिशोक्ति दिखलाई देती है और अनायास ही रीतिकाल के कवि बिहारी लाल की विरहनी नायिका स्मरण हो आता है। नागमती वियोग खंड भाग 3 में हम देखेंगे, पाट महादेई हिये नहारू, समझो जीव चित्त चेतु समारू। पाट मतलब पटरानी, महादेव मतलब महारानी, हिये नहारू अपने हृदय को मत हारिए, समझे जीव चित्त चेतु समारू, खुद को संभालिए, अपने मन को संभालिए। नागमती की सखियां कहती है कि हे पटरानी, आप हिम्मत नहीं छोड़िए, अपने प्राण की रक्षा कीजिए एवं चित्त अर्थात मन को समझाकर स्वयं को संभालिए। भौर कंबल संग होई मेरावा, समरी नेह मालती पह पावा। भौरा का कमल से मिलन होने के उपरांत भी ऐसे ही मालती का स्मरण आता है तो वह मालती के पास लौट आता है। उसी प्रकार भौरा भी, भौरा रूपी प्रीतम भी कमल रूपी पद्मावती के पास जाकर भी आपके पास लौट आएंगे। पपिहे स्वाति जो जस प्रीति, टीकु प्यास बांधु मन धीति। अपने प्रीतम रूपी स्वाति नक्षत्र जैसा आपका दृढ़ प्रेम है, अपना प्रेम प्यास को वश में रखकर मन में धैर्य धारण रखे, आपका प्रियतम अवश्य आएंगे। धरणी जैसे गगन सौ नेहा, पलटी आब बरसा ऋतु मेहा। पृथ्वी जैसे आकाश से प्रेम करती है, उसी तरह आकाश भी पृथ्वी को निराश नहीं करता। आपके जीवन में भी वही बसंत ऋतु आवेगी और पुनः उसी प्रेम रस, वही भौरा, वही लता का सुंदर संयोग होगा। जिनियस जीव करिस करसी तू बारी, यह तरीवर पुनी उठे सवारी। जीनी ग्रीष्म ऋतु में सूखे वृक्ष वसंत ऋतु के आने से पुनः हरे हो जाते हैं, उसमें नई पत्तियां फूल व फल लगते हैं। 10 दिनों के लिए सूख भी जाते हैं तो वर्षा ऋतु के आगमन से सरोवर पुनः जल से भर जाता है और उसमें हंस विचरण करते हैं। इसी प्रकार कुछ समय के लिए आपके पति मिल नहीं पाते तो कोई बात नहीं, उस समय उपरांत आपका मिलन अवश्य होगा। मिले ही जो बिछुड़ू साजन, अंकम भेटी गहंत तपनी मृग सिरा जय सहे, ते अदरा
पहलू हंत। वियोग के बाद मिलन प्राकृतिक चक्र है, अतः बिछड़े हुए पति बड़ा हर्ष पूर्वक मिलते हैं एवं आलिंगन करते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र में तपन को सहते हैं, वे ही अदरा नक्षत्र में हरा भरा और फल से भर जाते हैं। अतएव हे पटरानी, धैर्य धारण करें, आपके प्रीतम अवश्य आ जाएंगे। विद्यार्थियों, नागमती अपने पति राजा रत्नसेन के आने की प्रतीक्षा कर रही है। वे पद्मावती को प्राप्त करने हेतु नागमती को छोड़कर चले जाते हैं। नागमती की प्रतीक्षा असहनीय होती चली जा रही है। उनकी सखिया जो है नागमती को धैर्य धारण करने हेतु प्रकृति से संपर्कित कई उदाहरण देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नागमती रानी होते हुए भी विरह में एक साधारण स्त्री की तरह आचरण करने लगती है। चौपाई और दोहों में रचित पद्मावती की भाषा अवधि है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वर्ग में आप नागमती वियोग खंड भाग 4 और 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।